होती है, ये बंदी के नौकर मालिक नहीं होते हैं सम्मानित साथी। ये बता देना चाहता हूँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये नवाबगंज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये नवाबगंज की तानाशाही, ये नवाबगंज की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समंतवादी मुर्दाबाद। जनपद बरेली थाना हाफिजगंज के ग्राम नरिंदापुर के पुलिस चौकीदार पर हुए जानलेवा हमले और नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में सीओ नवाबगंज कार्यालय पर भीम आर्मी के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी, जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हैं। जिलाध्यक्ष भीम आर्मी पीलीभीत सौरभ भारतीय भी हैं। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सीईओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन जारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ ना मिल जाए भीम आर्मी चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये बंदी के नौकर मालिक नहीं होते हैं सम्मानित साथी। ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बताया तो सम्मानित साथियों, यहाँ बैठे मेरे समाज के लोग गरीब हो सकते हैं, यहाँ बैठे मेरे भाई, यहाँ बैठी मेरी माता बहनें गरीब हो सकती हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, इस देश में हम 85% लोग हैं। इस देश में अगर हम एक एक रुपए इकट्ठा करेंगे तो अरबों खरबों की हो जाएगी और हम इन देशों को नहीं लाखों करोड़ों लोगों को खरीदने का विकास करेंगे। जो लोग ये बताना चाहते हैं कि गुंडों ने ये वारदात करी तो नहीं, सम्मानित साथियों, मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि सम्मानित साथियों और मेरी तरफ बैठे वर्दीधारी लोग भी, इन्हें भी बताना चाहता हूँ कि एक बार इन क्रांतिकारी साथियों का नाम सर्च करके देखो, अगर तुमसे बड़े गुंडे दिखाई दे तब माना सम्मानित मुकदमे का। जो लोग धमकियां देना चाहते हैं उन्हें चंद शब्दों अभी अपना छोड़ चुके हैं। ऐसी घटना तमाम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में लगातार आतंकवादी सरकार के प्रशासन के लोग लगातार आपके लोगों पर तीव्र अत्याचार कर रहे हैं, लगातार शोषित वंचित समाज को अन्याय का